the strongest security in the world, NSG. सर माइकल ने हमारे मेंशन पे हमला कर दिया तो खरे खरे मुखिया देख रहे जाके मारो उसको लो माइकल हाईटेक भी फोन चोरी का प्लान रेडी है जल्दी से आ जाओ मेरे बेस पर ठीक है लेस्टर मैं निकलता हूँ Hey guys, welcome back. सभी का मेरे नए वीडियो में सभी का स्वागत है तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे तो यार लास्ट एपिसोड देखा ही होगा तो यार लास्ट एपिसोड में ना हम लोग वाई सिटी गए थे एंड टॉमवर सिटी से हमारा जो फ्रेंड है उससे हम लोग मिले एंड उसने ना हमको खतरनाक वाली NSG सिक्योरिटी प्रोवाइड की एंड वहाँ से ना हम लोग ने परचेज किया एंड वहाँ पे ना थोड़ी चीज वहाँ पर हमने फाइटिंग की एंड बहुत सारा ना मजा आया वाई सिटी में एंड बहुत कुछ एंड फिर ना मैं यहाँ पर लॉस एंजेलिस में आता हूँ आपको पता है हमारा दुश्मन ट्रेवर और डगन बॉस और क्रूजर ये तीनों मिलके ना मेरी बैंड बजाने में लगे हुए तो और क्या गाइस पता नहीं अचानक से ट्रेवर ना मेरे मैली भी मेंशन पे आता है एंड मेरे को ना वो क्रूजर की लोकेशन बताता है फिर भाई मैं ट्रेवर को इतना मारता हूँ एंड उसको ना बंद करके रख देता हूँ फिर जो मुझे लोकेशन दी है ना ट्रेवर ने वहाँ पर मैं जाता हूँ मेरी NSG सिक्योरिटी को लेकर एंड ना भाई वहाँ पर पूरा का पूरा ब्लास्ट कर देता हूँ उसका मेंशन एंड ना भाई सब कुछ उसका ना भाई हर चीज़ ख़त्म कर देता हूँ एंड भाई वो भाग रहा था एंड उसके लिए मैंने तबाही कर दिया एंड उसका ना बैंड ओवर कर दिया अगर नहीं देखा है तो एपिसोड देख लेना ज़रूर तो यार ये देख सकते हो ये रही मेरी NSG सिक्योरिटी एंड मतलब बहुत ही खतरनाक वाली सिक्योरिटी आपने देखा होगा नहीं देखा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ देख लेना पिछला एपिसोड एंड आज ना हमारे पास बहुत ज़्यादा ही काम है मतलब इतने ज़्यादा काम है ना गाइस आपको क्या बोलूँ इतने खतरनाक दुश्मन का आज हमारी बैंड बजानी है एंड हमें ना आज हाईटेक वेपन की चोरी करना है मिलिट्री बेस्ड एंड बहुत तो यार मैंने सारे के सारे ना मेरे NSG सिक्योरिटी को रेडी कर दिया है और सभी का वेरी वेरी थैंक्स गाइस जिसने भी चेक पॉइंट सारे के सारे टाइप किए ना भाई सभी को वेरी वेरी थैंक्स यहाँ पे आप देख सकते हो यार इतने सारे लोग ने चेक पॉइंट्स टाइप किए अभी मैं सबके नाम ले नहीं सकता एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आप मेरे को मेंशन नहीं करते हो यार आप लोग का यहाँ पे यूज़र हैंडल होता है ना कि यूट्यूब नेम होता है तो यूट्यूब नेम यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपका यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ यूज़र हैंडल नेम होता है और आप बोलते हैं शॉर्ट आउट नहीं दिया तो यार आप एक बार अपना हैंडल चेक कर लेना क्या है एंड फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा तो एंड वेरी वेरी थैंक्स फिर से सभी का शॉर्ट आउट सभी को मिल चुका है और सबका मैं नाम ले नहीं सकता उसके लिए सबको सॉरी क्योंकि आप समझ सकते इतने कमेंट्स अगर पढ़ूंगा तो इसी में 3-4 मिनट चल जाएंगे और बोरिंग लगेगा तो चल यहाँ पर देख रहे हो इनके पास था इन्होंने गाइस पहले से ना हेलीकॉप्टर्स भी बाय किए हुए मतलब जब मैंने परचेज किया ना इनकी सिक्योरिटी को तो इन लोग ने ना हेलीकॉप्टर भी लेकर आए थे मतलब मुझे ना खुद से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो यार ये बढ़िया चीज़ है तो यार आपको कैसी लगी NSG सिक्योरिटी ज़रूर बताना मतलब मेरे को तो यार एकदम बढ़िया लगी है मतलब क्या ही बोलूँ तो यार यहाँ पर ना एक और हेलीकॉप्टर है यहाँ पर देख सकते हो अभी इनके लिए मेरे को जेट प्लेन्स भी लेने तो यार अभी हम लोग जैसे टाइम मिलता है हम लोग जेट प्लेन्स भी लेंगे एंड हमारा एक नया बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्द से जल्द बट अभी हमारे जितने भी दुश्मन हैं ना उनका गेम ओवर करना है अभी यहाँ पर हमारे जो आप सोच रहे होंगे मेरी ओल्ड सिक्योरिटी कहाँ गई देखो मेरी ओल्ड सिक्योरिटी ना भाई सीक्रेट बेस पे मैंने निंजा सिक्योरिटी लगा दी है एंड हमारे 2-3 मंशन हैं आपको याद ही होगा तो जो मेरा हाई फील्ड मंशन है वहाँ पर मैंने जो हमारी एक्स वाली जो SPG सिक्योरिटी है ना के वाली वहाँ पर लगा दी है और गाइस यहाँ पर दूसरी जो सिक्योरिटी है मॉन्स्टर सिक्योरिटी उसको भी मैंने हमारे दूसरे वाले मेंशन पे लगा दी तो आप लोग को बोलना है गाइस कैसी लग रही है ये वाली सिक्योरिटी आप ज़रूर बताना कि आपको पुरानी वाली सिक्योरिटी चाहिए या ये वाली सिक्योरिटी चाहिए ज़रूर बताना ये मैंने सही किया कि नहीं किया बताना हमने जो हमारी ओल्ड सिक्योरिटी ना यार उसको यहाँ से निकाल दिया अभी यार सुना सुना लग रहा है वरना यार यहाँ पर ना पूरे सिक्योरिटी होते मतलब बढ़िया लगता है बट चलो यार अभी ना आदत नहीं हो रही है क्योंकि ना मैं रोज़ वाली वो सिक्योरिटी हमारी मतलब बढ़िया थी बट आप लोग ने बोला NSG लो तो यार ले लिया तो यार देख रहा हूँ खतरनाक वाला ना मतलब पूरा ही गाइस यहाँ पर हम लोग इनको लेके जाने वाले गाइस
तो यार देख लो अभी हम लोग को जाना है हमारे सीक्रेट बनकर पर, और ना मैं ट्रेवर को भाई बहुत मारने वाला हूँ आज, क्योंकि ना उसने मेरे साथ किया धोखा क्रूजर और डगन के साथ मिलके। तो यार चलो मैं इनको बोल देता हूँ यार रेडी हो जाओ अभी ना, फटाफट से अपने को निकलना है अभी। यार मैंने हेलीकॉप्टर को बोल दिया अभी जो मेरे साथ बैठा ना कमांडो मतलब इनका कैप्टन, तो यार ये सबको ना ऑर्डर दे दिया अभी ना यहाँ पर देख रहे हो ये हेलीकॉप्टर में बैठ के ना मेरा फॉलो करेगा। और ये हेलीकॉप्टर ऐसे वैसे नहीं है भाई, मतलब इसमें से मिसाइल निकलते हैं लिटरली, आपने देखा है मतलब ऐसे ऐसे मिसाइल ना पूरा घर ही ब्लास्ट कर। तो यार ये खतरनाक वाली सिक्योरिटी है, मतलब मेरा किसी के ऊपर भी एयर स्ट्राइक करवा सकता हूँ। अभी ये बोल रहे ना अभी आपके लिए जेट प्लेन भी आने वाले, बट जेट प्लेन के लिए ना यहाँ पर कोई रनवे नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जेट प्लेन अभी ना वो अवेलेबल नहीं कर सकते। तो यार ये बोल रहे अभी हेलीकॉप्टर से काम चलाना पड़ेगा, तो यार चलो ठीक है यार अभी ना हम लोग रनवे बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मैली भी मेंशन पर गैरेज तो बनवा लिया, बट अभी यहाँ पर रनवे में कहाँ बनाऊँ यार, मेरे लिए अभी जगह नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर लेफ्ट की ना जगह खरीद लूँ, बट यहाँ पर एक रनवे बना दूँ, बट यहाँ पर एक बीच एरिया है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर परमिशन मुझे मिल सकती है। तो चलो यार कैप्टन ने इनको बोल दिया है रेडी हो जाओ एंड ना भाई अपना काफिला आगे लेके चलो। तो अभी इनके लिए कार्स भी खरीदना चाहता हूँ, अभी हमने जो पुरानी सिक्योरिटी ना उनके लिए डिफेंडर एंड बहुत वगैरह वगैरह कुछ खरीदे थे, बट वो यार वो लोग ना मैंने उनको बोला है कि यार तुमको मैंने गिफ्ट दिया है, तो वो सारे सिक्योरिटी के कार्स तुम भी ले जाओ, यानी उन्होंने सच में ले चले गए एंड मेरे साथ लोन हो गया। बट चलो कोई बात नहीं, इतना सारा हमने पैसा लूटा ना उनकी हेल्प से, तो यार चलता है। देख रहे हो भाई काफिला देख रहे हो, दो दो हेलीकॉप्टर पीछे आ रहे हैं, मतलब कोई टच नहीं कर सकता है। तो यार आप लोग बताओ एसपीजी सिक्योरिटी एंड एनएसजी सिक्योरिटी दोनों में से कौन सी सिक्योरिटी खतरनाक है। तो यार चलो फटाफट से हम लोग जाने वाले गाइस हमारे गाइस सिक्रेट बनकर पर और देखते हैं गाइस यहाँ पर ट्रेवर का क्या हाल किया रेड निंजा ने, क्योंकि रेड निंजा ने बहुत सारे लोग को किडनैप कर रखा है, मतलब अपना ही बंदा है ठीक है ना, अपने जो दुश्मन है उनको। तो यार अभी आप देख रहे हो खतरनाक वाली फील आ रही ना, मतलब रोड पर अभी कोई भी नहीं है, पता नहीं यार लॉकडाउन लगा हुआ है एंड यहाँ पर ना कल कुछ ज़्यादा ही फाइटिंग हुई थी उसकी वजह से ना लोग डरे हुए। तो यार अभी इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1.5 के लाइक्स का, तो ज़रूर कर देना एंड कमेंट ज़रूर करना। तो चलो यार फटाफट से ना आपको मिलते हैं हमारी लोकेशन पे सिक्रेट बनकर पर, और वहाँ पे देखते हैं गाइस ट्रेवर का गेम ख़त्म करना, और इस वीडियो को लाइक करना कमेंट करना और वीडियो को फुल वॉच करना गाइस, फिर ही मज़ा आएगा एंड ना फिर इसको। ऑल राइट गाइस यहाँ पे हम लोग फाइनली आ चुके हैं हमारे सिक्रेट बेस की लोकेशन पर। तो देख रहे हो हमारे ना काफिला भी आ चुका है, मतलब एयर स्ट्राइक भी एंड ग्राउंड स्ट्राइक भी है। तो मेरे को यार ग्राउंड स्ट्राइक की अभी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ना अभी ये लोग हवा में ही लोग को भाई मार ही रहते, तो मतलब क्या ही बोलूँ। तो यार चलो ये रहा हमारा सेक्रेट या सीक्रेट बोलो यार कुछ भी बोलो, बट बनकर बोल देंगे उसको, थोड़ा सा ना गाइस हो जाता है ऊपर नीचे शब्द। तो यहाँ पर मैंने फुल सिक्योरिटी लगाई हुई है यहाँ पर हमारी निंजा सिक्योरिटी। तो चलो यार यहाँ पे मैं कार को ना मेरी सुपर कार, ये कार कुछ लोग बोल रहे हैं यार ये कार कहाँ से, यार ये कार ना मेरे को दुबई के बंदे ने शेक की थी आपको याद होगा बहुत पहले वाली एपिसोड में, बट इस वाले कार को मैं चलाता ही नहीं, आप लोग बोल रहे हैं इस वाले कार को चलाओ चलाओ, तो यार इस वाले को भी चला लेंगे यार, आप लोग जो बोल रहे हो मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो यार आप लोग हर चीज़ बोलना, अरे आराम से यार कमांडो को ही ठोक दिया यार इसने भाई, ठीक तो है ना भाई, क्या कैसा है भाई खतरनाक वाली एनर्जी सिक्योरिटी इसने देखा नहीं। चलो यार कोई बात नहीं, आप लोग हर चीज़ बोल रहे हो मैं ऐड कर दूंगा ठीक है ना भाई, तो आप लोग कमेंट करना प्यारे प्यारे से और सारे के सारे चेक पॉइंट्स टाइप करना, उसको वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। एंड यार तुम लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवा नहीं रहे हो यार, हर बारी का लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दो और लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड सब्सक्राइब तो बढ़ ही नहीं रहे भाई एंड कुछ भी नहीं एंड भाई क्या ही बोले। तो यार चलो फटाफट से ना हम लोग आ चुके हैं सिगरेट बनकर पर, और अभी ड्राइवर को मैं छोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पे पता नहीं यार क्या बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यार, अभी यहाँ पे मेरा सिक्रेट बनकर है अभी ना, मुझे सिक्रेट बनकर भी चेंज करना पड़ेगा, अभी इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना भाई, रोज़ देख रहे हो ये कंस्ट्रक्शन वाले, पता नहीं यार मतलब इनको भाई लग रहा है ये ऐसे ही फैक्ट्री के ड्राइवर, इनको पता ही नहीं अंदर मिलियंस ऑफ गोल्ड का भाई सामान पड़ा है। चलो कोई बात नहीं भाई, ये इसको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, अरे यार अपना ही बनता है, चलो कोई ना पीछे रहो, बोल रहे ना यार कोई नहीं आ सकता यार, ये निंजा सिक्योरिटी भाई खतरनाक है, मतलब ये सिक्योरिटी भी ऐसी नहीं है भाई, इसका भी लेवल ना बहुत ज़्यादा ही हाई है, मतलब इसका ना फिजिकलिटी आप देखोगे ना मतलब एक नंबर है, मतलब ये गन्स के साथ तो करते ही है एंड फिजिकल तो भाई खतरनाक वाली फाइट करते हैं, दूसरे वाली सिक्योरिटी भाई सिर्फ गन से करती है। तो चलो यार यहाँ पे ना
हमारा रेड निंजा ने दो बंदों को, मतलब ये जो बंदा है क्रूजर का, क्रूजर तो मर गया बट इसका एक बंदा ही है ना हमारे पे अभी भी। रेड निंजा ने मुझे बोला कि ये बंदा ना अभी भी हम पे जासूसी कर रहा था, पता नहीं क्यों जासूसी कर रहा था। साले को पकड़ लिया हमारे रेड निंजा ने, बहुत सही किया यार। इसको मैं आज ना भाई बहुत मारने वाला, क्योंकि इन लोगों ने हमको इतना परेशान किया ना, इसके वजह से मेरे कितने लोग मारे गए, मतलब इतने लोग मारे गए और इतना ज्यादा नुकसान हुआ है ना भाई। तो इसको यार आज मैं फुल इसको ना भाई खत्म करूंगा। वैसे ये सादा बंदा है, मतलब काम करने वाला, बट काम तो करता है ना। क्रूजर को तो मार दिया हमारी सिक्योरिटी ने, मतलब मिसाइल डालकर, मतलब उसके ऊपर मिसाइल गिरवा दिया। चलो बेटा तू भी ले। और ये ट्रेवर का बच्चा, मतलब हमारे साथ धोखा कर दिया टक्कर से हाथ मिला के, बाद में पता नहीं क्या हुआ, इसने मेरे ही, मतलब मेरे ही मेंशन पे आके ना क्रूजर का लोकेशन बता दिया। तो अभी मैं इसको मार मार के ना डगन का लोकेशन निकालता हूँ। तो बेटा ड्राइवर जल्दी से ना, अभी मेरे हाथ में तो खाने वाला है, उससे पहले ना तू मुझे डगन बॉस की लोकेशन बता दे, क्योंकि तू उसके लिए काम कर रहा था। देख मैं तेरे को मार रहा हूँ अभी, अभी मेरा दिमाग ना खराब हो चुका है, ठीक है ना। चल जल्दी से उठ और ये ले, और फटाक से बता डगन बॉस किधर है, वरना ना भाई तेरे को भी मैं आज मारने वाला हूँ। भाई तू क्या देख रहा है, ये ले बेटा, तू ही बचेगा भाई। घोचू साला, मतलब कुछ पैसों के लिए ना भाई, मतलब मेरे साथ स्कैम कर रहा है, मतलब क्या ही बोले। जल्दी बोल किधर है, जल्दी बोल, वरना ना भाई इसको तो भाई जल्दी बोल, नहीं बोलेगा तो भाई इसको, ये देखो ये खड़ा कैसे है, मतलब इतना मार खाने के बाद भी नहीं यार, ये छपरी बंदा, इसको डर भी नहीं लग रहा है गोली से, देख रहे हो। चल बेटा कोई ना, भी आज तेरा लास्ट दिन है वैसे भी यहाँ पर, वैसे भी हम लोग तेरे को यहाँ पे जेल में बंद तो नहीं करेंगे, हमारी इतना तो हमारा गाइस कोई देखने देखने वाला कोई है नहीं, वरना भूखा ही मर जाएगा। उससे पहले मैं तुझे मार दूं, बट उससे पहले मैं ट्रेवर को भाई और मारना चाहता हूं। तो यार वैसे तो ये लोकेशन मुझे बता ही देगा, क्योंकि ये बोल रहा है ना मुझे माफ कर दो एंड मुझे अपने टीम में ले लो, एंड ना मैं ऐसा कोई गद्दारी नहीं करूंगा। तो यार आप लोग बताओ, इसको मैं टीम में ले लूं क्या फिर से, क्योंकि ना ये गद्दारी बहुत खतरनाक वाली गद्दारी कर रहा है, मतलब क्या ही बोले, ये लायक तो नहीं लग रहा इसको टीम में ले सकूं, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। आप मुझे बताओ इसको टीम में लेना चाहिए कि नहीं, अगर आप बोलते हो तो यार मैं इसको टीम में ले लूंगा। एंड फिर गाइस अगर आप बोलते हो तो फिर इसका मैं खोपड़ी पे चार गोली मार के उसका काम तमाम कर दूंगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एंड आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी उससे पहले मैं इसको थोड़ा और मार दूँ, क्योंकि ना इसने मेरा बहुत ज़्यादा ही नुकसान किया है, इतना ज़्यादा नुकसान किया ना मैं क्या ही बोलूँ। तो उससे पहले इसकी बैंड बजानी बनती है। तो चलो यार इसको मैं इतना मार रहा हूँ या मरना जाए बस। चलो यार अभी डगन बॉस की लोकेशन तो इसने मेरे को बता दी है, बोल रहा है कहीं देखो डगन बॉस की लोकेशन ना मैं तुमको भेज, मतलब बता दिया। चलो कोई बात नहीं, तो यार उस मैंशन पे जाता हूँ एंड देखता हूँ वहाँ पे डगन बॉस होगा कि नहीं। मुझे नहीं लग रहा डगन बॉस इतने आसानी से मुझे मिलेगा। अरे भाई आराम से यार, रेड निंजा भाई गलती से ना वहाँ पे मार दिया उसने। चल कोई बात नहीं, ये ले भाई तू देख, हंस रहा है भाई ये तो, इसकी भैंस की आकार है। सॉरी यार रेड निंजा तुझे लग गया। चल कोई बात नहीं, इसकी ना बैंड बजानी पड़ेगी, इसको तो भाई मार ही देंगे। चलो इसका ना गेम ओवर है भाई, इसका तो लास्ट ओवर है, इसका तो भाई जासूसी कर रहा है। इसको छोड़ दिया तो भाई मतलब लोल हो जाएगा भाई। देखो ना ट्रेवर कुछ हो ही नहीं रहा भाई, किस मिट्टी का बनाई है। एक सर पे गोली मारूंगा ना भाई, सर में से मतलब खून निकलेगा भाई इसका। चल बेटा तू भी गया, अब इसका ना भाई गेम ओवर करते। देख रहे हो कैसे कुत्ते जैसे ना भाई तड़प रहा है भाई। चल भाई तू तड़पने से पहले तेरा गेम ही ओवर कर दू भाई। अब ना इसका लास्ट ओवर, इसका लास्ट दिन है भाई, जासूसी करेगा, मतलब इसका बॉस मर गया एंड ये जासूसी किस लिए कर रहा है पता नहीं भाई। मुझे लग रहा है ना कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मुझे बता नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बताया, बहुत मारा है इसको, बट ये बोल रहा है सिर्फ क्रूजर ही मेरा बॉस था। चल ठीक है, क्रूजर तेरा दोस्त था एंड तो जाके मिल ले अब। इसकी ना गाइस स्टोरी खत्म हो चुकी है, मतलब खत्म है भाई। देख रहे हो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते ना ये लोग भाई, क्या ही बोले। देख रहे हो मास्क पहन के भाई, मतलब खुद को ना भाई ये लोग पीरो समझ रहे। चलो कोई ना भाई, खत्म है, तू भी गया। अब ट्रेवर की ना भाई बारी आएगी गाइस कल। अगर आप बोलते हो ट्रेवर को मारना है तो कल भी मैं ट्रेवर का ऐसे हाल करूंगा और उसकी बैंड बजा दूंगा, मतलब बिल्कुल ही बैंड, और इसको मैं ऐसी तरह जला लूंगा। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना ट्रेवर का क्या हाल करना है, बस आपके ऊपर है। जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जिसके मेरे को ज़्यादा गाइस मतलब वो दिखेंगे ना क्या कहते हैं, ज़्यादा कमेंट्स जिसके होंगे मारो या ना मारो वाले, तो फिर मैं वही डिसाइड करके ना उसका भी गेम बजा दूंगा। मतलब ये ड्राइवर मतलब धोखा दिया है, तो यार धोखे की सजा यही होनी चाहिए।
तो देख रहे हो कैसे ना भाई कर रहा है, मतलब इतना इसको मारा है ना, इसके पेट में दर्द हो रहा है। चल बेटे कोई बात नहीं, इसको अभी मैं आग लगा लेता हूँ। चल भाई इसको आग लगी नहीं अभी तक, ये ले मर गया, बट मैं फिर भी इसको और मारना चाहता हूँ क्योंकि ना अभी मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतना परेशान किया इसने मुझे, आप लोग वीडियो में ज़रूर देख लेना और इस वीडियो को पूरा वॉच करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलो यार फटाफट से ना हम लोग निकलते हैं। ट्रेवर ने जो मुझे लोकेशन दी ना, अगर वो ट्रैप ग्रैप हुआ ना तो यार फंस सकते, तो मुझे अभी सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी फुल वाली अपनी NSG सिक्योरिटी। और भाई वहाँ पर जाके देखते हैं क्या सीन, अगर वहाँ पर टग्गन बॉस के बंदे होते हैं ना उनकी बैंड बजा देंगे एयर स्ट्राइक मार के, मतलब अपने पास एयर स्ट्राइक है भाई मजाक से हटके। चलो यार कैप्टन तू भी आ जाओ मेरे साथ, तुम थोड़ा बहुत ज़्यादा ही दूर, मतलब इतना खड़ा है ना ये धूप में बेचारा। कोई बात नहीं इसके साथ, कोई बात नहीं, अच्छा स्कूलूप तो नहीं किया इन लोग ने, क्योंकि ये सिक्योरिटी अलग है एंड ये निंजा सिक्योरिटी एंड ये अपनी NSG सिक्योरिटी। तो चलो यार अपनी यहाँ पर सुपर कार में बैठते हैं और भाई निकलते हैं, जो लोकेशन दिए ना लोकेशन बहुत ज़्यादा ही दूर है। चलो यार तुम भी निकलो मैं भी आता हूँ, मतलब लोकेशन मेरे पीछे पीछे आ जाना, इनको तो पता नहीं होगा क्योंकि ना लोकेशन तो मुझे पता है। तो चलो यार फटाफट से हमें हमारे सारा गाइस हमारा काफिला, दो हेलीकॉप्टर एंड ना भाई इसमें टोटल गाइस कितने बंदे हैं भाई, एक सेकंड मैं खुद गिन लूँ, मुझे खुद नहीं पता, आई थिंक एक दो चार पाँच छः आई थिंक 10 बैठे हैं उस कार में। चलो कोई बात नहीं फटाफट से हेलीकॉप्टर में चार चार बैठे हैं, टोटल मैंने 50 खरीदे। तो चलो फटाफट से आपको लोकेशन में मिलते हैं और देखते हैं गाइस क्या स्थिति है यार क्या नहीं है। ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पर और देखते हैं भाई यहाँ पर जो मुझे ड्राइवर ने लोकेशन दी है ना भाई वही लोकेशन है या कोई और है, यार मुझे लग रहा है ये ट्रैप भी हो सकता है, बट वैसे तो हमने ड्राइवर को तो किडनैप करके रखा था भाई, कोई कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं होगा। बट चलो यार अभी जो लोकेशन दी है ना ये वाला मेंशन पे हो सकता है कि, एक सेकेंड यहाँ पर मेरे हेलीकॉप्टर ने अटैक करना शुरू कर दिया। भाई किस पे अटैक कर रहे हो भाई, यहाँ पर देख रहे हो मिसाइल लॉन्च कर दिया बिल्कुल ही। और राइट लग रहा है यहाँ पर ना कोई फायर कर रहा था। चलो यार ख़त्म है भाई, मैं तो उतर गया कार से, मुझे लगा कुछ होगी तो नहीं गया भाई। भाई देख रहे हो यहाँ पर, चलो यार हमारी NSG सिक्योरिटी बहुत खतरनाक निकली यार, देख रहे हो फुल अटैक यार गाइस गजब है। चलो अभी अंदर जाते हैं एंड ये तो डग्गन के कार से एंड यहाँ पर ना देख रहे हो ये डग्गन के लोग हैं। चल बेटा तू भी गया भाई, देख रहे हो भाई इनका गेम ओवर है, मतलब एयर स्ट्राइक करके ना पूरा ही उड़ा दिया है, मतलब इसको बोलते हैं NSG सिक्योरिटी, मतलब देख रहे हो ख़त्म है भाई, मतलब एयर स्ट्राइक से पूरा ही उड़ा दिया, इसको बोलते हैं असली वाली सिक्योरिटी एंड भाई डुप्लीकेट और रियल। देख रहे हो सब कुछ तबाह नहस हो चुका है एंड ये छपरी कैसे बच गया। चल बेटा तू भी ले भाई, मुझे कुछ करने की ना भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, मतलब मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि ये लोग अटैक कैसे करते हैं, मुझे बस यही देखने में मज़ा आ रहा है। ये NSG सिक्योरिटी ना भाई कैसे अटैक कर रही है, देखो घर के ऊपर है, अभी वहाँ पर एक मिसाइल जाएगा देखना भाई, ख़त्म है भाई मैंने बोला है ना ये ख़त्म है बिल्कुल ही गाइस ख़त्म है। जहाँ मैं फायर कर रहा हूँ वहाँ पर मिसाइल जा रहा है, तो इसको कहते हैं NSG, मतलब टॉप लेवल की सिक्योरिटी में आती है गाइस ये वाली सिक्योरिटी। एंड चलो अंदर जाते हैं आगे बढ़ते हैं, ये वाला मेंशन मेरे को बढ़िया लग रहा है, क्या मैं इस पर कब्जा कर सकता हूँ क्या भाई? कब्जा तो मैं किसी पे भी कर सकता हूँ अभी ना, इतना पावरफुल हो गया हूँ। तो यार अभी इतने जल्दी हमने इतना सब कुछ हासिल कर दिया ना, मतलब क्या ही बोलूँ। तो चलो यार यहाँ पे हमारे सारे हैं हमारी सिक्योरिटी के हेलीकॉप्टर्स ना भाई, देख रहे हो मैं सिर्फ घूम रहा हूँ ठीक है, देखो ये सबको मार दे रहे हैं, वहाँ पर ना और भी लोग होंगे, ये देखो और भी आए दरवाजे में से, देख रहे हो। चल बेटा तू भी ले, चल घोचू कहीं के भाई, इसको भी ले लिया है भाई, हमको कुछ करने नहीं, देखो और आ रहे हैं एंड यहाँ पर मिसाइल देख रहे हो भाई हवा में उड़ रहा है, एक और मिसाइल आएगा एंड इनका गेम ओवर। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस आजू बाजू गोली चलाई क्योंकि मुझे बस देखना था ये मिसाइल से कैसे मरेंगे। सो ऑल राइट गाइस देख रहे हो पूरा का पूरा तबाह नहस कर दिया इस वाले मेंशन को, और ये वाला मेंशन मेरे को बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लगा, मतलब भाई पूरी डिज्नीलैंड वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसे, बट चलो यार अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर ना अंदर भी हो सकते, पहले बाहर के बंदे क्लियर कर दें, पहले बाहर के बंदे हम लोग। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी है, एक सेकंड ये किसका है, लग रहा है डग्गन बॉस का ही, बट डग्गन बॉस है कहाँ पर, यहाँ पर डग्गन बॉस का तो गेम ओवर करना है। ये देख लो मैं आने से पहले बजा दे रहा है यहाँ पर मेरे सिक्योरिटी, भाई गजब है यार, मतलब इस सिक्योरिटी का मतलब कोई, मेरे को लग रहा है कोई SPG सिक्योरिटी भी इसका आमना सामना कर पाएगी। ओ देख रहे हो ख़त्म है भाई, मैं देख रहा हूँ बंदा वहाँ पर आग जा रही, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है,
जहां मैं देखता हूं वहां पर मिसाइल लॉन्च हो जाता है। देख रहा हूं मैं आपको बोला इसका भी गेम ओवर, ये देखो भाई इसको चूरा ही कर दिया, मतलब इसके ना अभी छिछड़े भी नहीं मिलेंगे ना ही टुकड़े मिलेंगे। तो चलो यार अभी ना पीछे लग रहा है और क्यों सकते, मुझे बस देखना है इनका गेम मूवी देखनी। देख रहे हो मैं बस फायर करूंगा ऐसे ऐसे एंड यहाँ पर ना मिसाइल गिर जाएगा। देखो मैंने थोड़ा सा फायर किया, देखो और फायर करता हूँ, देखो देखो उस पर ना अभी मिसाइल जाएगा एंड वो है ना वो गेम ओवर। देखो 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 गया गया। चल बेटे देखो देख रहे हो बस आप लोग, देखो भाई देखो मिसाइल लॉन्च कर दो वहाँ पे। ये मर क्यों नहीं रहा भाई, इसके पास भाई तगड़ा बंदा लग रहा है। चलो कोई ना इस पर लॉन्च करना ही पड़ेगा, मिसाइल लॉन्च कर दे भाई उधर, भाई मिसाइल लॉन्च कर दे फटाक से, इसका गेम ओवर कर दो जल्दी से यार। चलो मेरे को मारना पड़ा उसको यार, एक मिसाइल छोड़ दो भाई, छोड़ दिया भाई ख़त्म है भाई, एक साथ चार पाँच छोड़ दिए क्या भाई। अभी भी एक जिंदा है, इसको तो फेल दो, इसका भी गेम ओवर कर दो। चलो यार एनएसजी सिक्योरिटी देख नहीं पा रही, एंड खत्म है भाई, मैंने बोला एंड गेम ओवर उसका भी भाई। उसने भाई वहाँ पर देख रहा हूँ किसी के पास आरपीजी एंड भाई किसी ने मेरे हेलीकॉप्टर पर फायर किया, अच्छा वो भाई बच गया भाई, खतरनाक वाला हेलीकॉप्टर है। देख रहे हो भाई क्या ही जा रहा है आरपीजी भाई, गेम ओवर है भाई, ऐसा लग रहा है ना भाई पूरा लॉस एंटर्स में आराम से भाई मैं काबू कर सकता हूँ भाई, यहाँ पर मैं भाई किसी पर भी अटैक कर सकता हूँ, इतना पावरफुल वाली फीलिंग आ रही ना कसम। चलो और भी एक है, ये वाले मेंशन में बहुत ज़्यादा ही बंदे लगा के बैठा टक्कर बॉस, ये देख रहे हो मैं फायर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही यार, मैं कसम से बोलूँ ना मैं विदाउट गन के भी आ जाता ना भाई मुझे कुछ नहीं होगा, ये मुझे फुल प्रोटेक्शन देंगे, ऐसी वाली प्रोटेक्शन भाई मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी है। देख रहे हैं मैं बस तमाशा देख रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हो ये क्या कर रहा है भाई, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देख रहे हो वहाँ पे बंदे एंड भाई मेरे खुद एयर स्ट्राइक वाले काम कर रहे हैं, ग्राउंड स्ट्राइक वाले तो आए भी नहीं भाई, ग्राउंड स्ट्राइक वाले सिर्फ आठ ही लाया हूँ मैं, आठ या दस। ये देखो ऊपर बैठा है छपरी जाके, चल बेटा मैं तेरे को मार लेता हूँ। चल भाई तू मिसाइल से मरने से पहले मेरे गोली से मर जा भाई, यहाँ पर और भी लोग हो सकते हैं। देख रहे हो ये भाई पंच है ना, ये देखो भाग रहा है भाई, अरे छपरी रुक जा, वेट रुक जा रुक जा रुक जा, अरे ये मेरे को लग रहा है सादा इंसान है, अरे यार चलो छोड़ो इसको छोड़ दे इसको छोड़ दे। एंड यहाँ पर देख रहे हो ये जो है ना और भी बंदे हैं भाई, इधर और भी है। चलो कोई ना मेरे यहाँ पर मेरी एनर्जी सिक्योरिटी तो मार ही रही है, देखो ख़त्म है भाई मिसाइल डाल रहा है भाई, यार बेचारों के ऊपर यार कसम से उनको उन्होंने सोची भी नहीं होगी। देख रहे हो यार गेम ओवर है बिल्कुल ही गाइस, ऑलराइट यहाँ पे ना भाई हमने और भी कुछ लोग दिख रहे हैं हम लोग को, एक सेकंड ये देख रहे हो भाई खाड़ियों के अंदर और लोग लाए भाई, क्या सोच के भाई एनएसजी को मारोगे क्या यार, ये डगन बॉस पागल तो नहीं हो गया ना भाई, डगन बॉस मेरे सामने आ गया ना भाई उसके तो भाई आंखों में से मतलब गोटियां निकाल देंगे, मतलब उसको क्या ही बोले, वो तो भाई जब से क्रूजर मरा है ना अब मुझे नहीं लगता भाई वो पूरा लॉस सेंटर्स में भटकेगा भाई, लॉस सेंटर्स में क्या भाई वो कहीं भी लगेगा, अगर वाई सिटी भी गया या लिबर्टी सिटी तो भाई वहाँ पे जाके मैं उसको मारूंगा, तो बस मुझे उसकी लोकेशन मिल जाए, अभी हम लोग उसकी लोकेशन ट्रैप करके अभी ना डगन बॉस का गेम ओवर करना है। चल बेटा तू भी ले, ये देख रहे हो चोमू कहाँ से मार रहा है तुझे, चल बेटे घोचू तू भी गया, ये घोचू देखो ये घोचू ऊपर चढ़ के मारने की कोशिश कर रहा है बट फिर भी हमारे सिक्योरिटी को टच तक नहीं कर पाया। चलो यार इनका सबका गेम ओवर हो चुका है और यहाँ पे हमारे फुल हेलीकॉप्टर्स फुल पावर में, और भी एक है देखना अंदर जाके, ये लोग ना भाई आई थिंक होटल में रह रहे थे मेरे अंदाज से ना, ये वाले लोग ना ये जो आपको साइड में लग रही है होटल वहाँ पर ही कहीं रुके होंगे। चलो गाइस यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, बट डगन बॉस तो मुझे लगा था ये भाग जाएगा, बट डगन बॉस तो यार देखो इतना तो ये बेवकूफ़ इंसान तो है नहीं, उसको पता है कि ट्रेवर ना हमने किडनैप कर दिया एंड वहाँ पर कैमरे भी लगे थे, उसने आई थिंक देख लिया होगा सब कुछ तो वगैरह वगैरह, तो यार अभी ना मुझे पता था ये सब कुछ होने वाला है बट मुझे लोकेशन के बारे में पता नहीं था, बट ट्रेवर ने बताया, तो यार अभी हम लोग देखते एक बार अंदर जाके। वैसे तो भाई सारा का सारा मंसन हम लोग सील कर रखा है, मतलब हर दरवाजे पर बंदे रखे, तो अभी अंदर जाके एक बार चेक करते हैं डगन बॉस है कि नहीं, अगर डगन बॉस अंदर मिलता है ना तो भाई उसको छलनी छलनी कर देंगे यार। ये डगन बॉस ना भाई फुल भाई भागू बनता है, मतलब हर टाइम जब इसकी फट जाती है ना तो ये फाइट नहीं करता है, मतलब भाग जाता है, तो ऐसा कोई प्लान मेरे को गाइस बताना पड़ेगा इस, अभी उसको हम लोग ब्लॉक करके मतलब इसका गेम ही ओवर करते। सो चलो यार फटाफट से यहाँ पर दरवाज़ा होना चाहिए मुझे इसका मेंशन पे, मैं पहली बार आया हूँ आई थिंक इसका ना, कुछ लोग मेरे को नाम बोल रहे थे प्ले बॉय मैंशन, भाई ये नाम थोड़ा अजीब है बट चलो यार एक बार मुझे ना भाई देख के जाना पड़ेगा। वैसे सब लोग तो यहाँ पे, मुझे आवाज़ें बहुत आ रही थी भाई, कुछ गलत ना हो रहा हो यहाँ पे, एक सेकंड ये कौन है, अरे ये लड़की भाई गन से मार रही थी क्या, और ये लोग कौन है भाई, ये मैंशन पे क्या कर रहे हैं,
ये क्या चल रहा है इधर? ये ले भाई, तू भी ले भाई। इनको मैं मारना नहीं चाहता हूँ, बट एक के पास गन थी ना, तो मैं इसको मार दिया दोनों को, सॉरी। बट यार ये लोग ज़्यादा ही चिल्ला रहे हैं ना, मेरा कान में फट के आ रही है। इनको मैं मार ही दूंगा, बट इनको मैं रख के क्या करूँगा? ये तो मेरा गाइस जाके ना आगे जाके क्रिएट भी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते, तो इनको मैं मार ही दूंगा। वैसे चलो गाइस पहले इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे कोई है तो नहीं ना। ये देखो भाई, इसके पास गन है, देख रहे हो भाई, लड़कियों की गन चला रही है भाई। ये लोग का क्या सीन है? ये लोग मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर? ये डगन बॉस के मेंशन पे यहाँ पे क्या चल रहा है? ये यहाँ पर ना देख रहे हो इतने सारे गाइस। चलो कोई बात नहीं, इनको मैं मार ही देता हूँ यार, ये कुछ गलत लग रहा है। कोई बात नहीं, फटाफट से मैं इसके ना मेंशन पे और भी चेक करता हूँ, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है इधर। चलो यार ऊपर जाके देख लेता हूँ एक बार, आई थिंक ऊपर यही है ना। चलो यही ऊपर वाला लग रहा है। एक सेकंड, कोई फायर कर रहा है क्या भाई? यहाँ पर मेरे एनएसजी वाली सिक्योरिटी आ चुकी है। चलो भाई इनका भी गेम ओवर चुका है। ये देख रहे हो मतलब भाई, इसने फीमेल सिक्योरिटी भी लगा के रखी है क्या डगर बॉस ने? ये देख रहे हो ये छपरी का बच्चा, मतलब भाई पीछे बैठा है, देख रहे हो भाई, भाई लेडीज में जाके फायर कर रहा है, मतलब क्या ही बोले। चलो भाई तुमको भी मार ही दूंगा यार, सॉरी बट इनको मारना पड़ रहा है, ये सिविलियंस लग रहे हैं मुझे, बट देखो यार इनको मारना पड़ेगा, ये डगन के लिए काम करते हैं सारे के सारे, तो इनको मारना बनता है, ठीक है ना। अभी यार गाइस हम लोग को फुल माफिया बनना पड़ेगा, अभी गाइस हम लोग किसी का कुछ सोचने वाले नहीं है, ठीक है ना। अभी हम लोग ये देखो भाई, ये ऐसे होते हैं, अगर सोचेंगे तो गन हाथ में ले लेंगे एंड मारेंगे। ये कमरे में क्या कुछ है क्या? ये किसका फोटो? ये डगन का वाइफ है क्या? पता नहीं है कौन है गाइस। चलो कोई बात नहीं, ठीक है यार फटाफट से ना और भी चेक कर दो यार। ये भाई यहाँ पे ना भाई कुछ अजीबो काम हो रहा है इस वाले मेंशन में। यार डगन बॉस क्या क्या करवा रहा है भाई इधर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, फटाफट से ना एक बार मैं देख लेता हूँ गाइस यहाँ पर क्या सीन है। ये वाले रूम में कोई है कि नहीं? ये देख रहे हो भाई, ये टकलू क्या कर रहा है? कालू भाई किसका वेट कर रहा है ये भाई? किसका वेट कर रहा है धर्म भाई? देख रहे हो पूरा रूम सजा के बैठा है यार, ये कुछ गलत लग रहा है। इधर से भाई निकलना पड़ेगा भाई। भाई इनको भाई चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, पहले इनको मैं मार ही देता हूँ भाई, ज़्यादा ही कर रहे हैं ये लोग। सबको ही मार दिया था, इन दोनों को छोड़ दे, इन दोनों को रख के क्या करें। चल यार सॉरी टू से बट वी हैव टू किल यू। अब क्या करें गाइस, अब माफिया वाल मरना है तो गाइस बनना है तो यार इनको मारना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये डगन के लिए काम करते हैं, बट ये लोग इनोसेंट थे, बट यार दुश्मन होता है, बट इनको मारना तो पड़ेगा, ठीक है ना। सो चलो यार अभी हमने सारा का सारा कब्जा कर लिया इस वाले मेंशन पे, और इस वाले मेंशन पे ना सारी की सारी सिक्योरिटी मैं लगा लूँगा। आप लोग बोलते हो ये वाला हम लोग मेंशन पे कब्जा कर दे क्या, मतलब ये वाला मेंशन पे हम लोग रहे कि नहीं बता देना मेरे को। वैसे तो मैंने कर ही दिया हूँ, एंड चलो भाई इस पे ना हम लोग रहेंगे गाइस। हमारा मतलब और एक मेंशन हमारे गाइस कलेक्शन में ऐड हो चुका है, तो चलो यार अभी फटाफट से हम लोग रात होने का वेट करते हैं, देखते हैं रात में ये कैसा दिखता है, फिर हमको ना आगे वाले हाईटेक वीपन्स भी चुराने हैं। सो देखते गए इस रात में कैसे। ऑल राइट गाइस, ये ना अभी रात हो चुकी है, और अभी रात का नज़ारा मुझे देखना है। यहाँ पर इतने सारे लाइट है ना, ये देख रहे हो आप लोग भाई, रात में ये मेंशन भाई ज़्यादा ही चमकता है। कुछ लोग बोल रहे थे यार ये वाला मेंशन ना रात में देखना, तो रात में हो चुकी है, एंड भाई कुछ ड्रावनी वाली फीलिंग आ रही है मुझे तो, मतलब ये ना बोल नहीं सकते, यहाँ पे गोश्त तो नहीं ना, क्योंकि ज़्यादा ही डर लग रहा है। लाइटिंग तो ऑन हो चुकी है, चलो एक बार ना भाई सारा का सारा इस वाले मेंशन में चेक कर लेता हूँ, आप लोग को बताता लाइटिंग कैसी है एंड सब कुछ कैसा है। और यहाँ पे ना भाई बढ़िया है, मतलब एकदम ही बढ़िया है। चलो एक बार उसकी लाइटिंग देखते, अंदर वाली लाइटिंग, ठीक है ना। और इस वाले मेंशन में बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, मतलब वो लोग हमको पैसे देंगे एंड यहाँ पर ना रात में कुछ बिताने के लिए, टाइम बिताने के लिए यहाँ पर रहने वाले। तो यार ये वाला मुझे समझ आया कि डगन बॉस था, इस पे बिजनेस करता है, मतलब ये एक होटल है या मेंशन है, ये लोग को किराए के लिए देता है एंड लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। सो यार यहाँ पे कुछ और भी लोग आए थे, बट मैंने उनको बोला कि यार तुम इधर जो करना है करो भाई, मुझे पैसा दे दो बस। तो देख रहे हो यहाँ पे ना, देख रहे हो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, रात का व्यू ले रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे लाइटिंग वीटिंग लगी ना, यहाँ पर खतरनाक वाला गार्डन लगा है, तो ये देख रहे हो। तो यार ये साइड का बिजनेस भी हो गया अपना छोटा मोटा वाला,
देख रहे हो, मतलब इतना ठंडा माहौल है ना यहाँ का। आपको दिखाता हूँ, लाइटिंग दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देख रहे हो लाइटिंग, देख रहे हो यहाँ पर ना भाई, फुल माहौल बना हुआ है। मतलब यहाँ पे लोग पार्टी गिटी कर सकते हैं, बट आप लोग बोले तो इनको मैं हकाल दूंगा, कोई बात नहीं। बट मैं बोला चलो ट्राई करके देखते हैं। ये देख रहे हो, ये ना कुछ बातें कर रहे हैं एंड पानी में भाई मज़ा आता है भाई, पानी और ठंडी ठंडी हवा निकल रही है ना, देख रहे हो। ये बंदा भी इधर आके बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब क्या सोच रहा है। पैसे दिए एंड गाने सुन रहा है भाई, यहाँ पर देख रहे हो रेडियो लगा दिया है। चल कोई बात नहीं, अपने को तो पैसा मिल रहा है। अभी डगन बॉस को तो भगा दिया इधर से, बट डगन बॉस मुझे मिला नहीं है आखिरी तक, पता नहीं। मुझे पता ही था वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया है, वो इतना बेवकूफ़ इंसान तो है नहीं। तो वो चलो कोई बात नहीं। सो यार आपने देखा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यार मुझे लग रहा है ना, इस वाला मेंशन मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो मुझे लग रहा है इस वाले मेंशन पे रहना चाहिए। एंड मेनली भी मेंशन इतना खास भी नहीं है, तो उसमें हम लोग रह रहे के बोर हो चुके। तो यार अभी ये वाला मेंशन हम लोग ट्राई करें, क्या बोलते हो? इस वाले मेंशन में हम लोग हमारा सारा ना सिक्योरिटी लगा देंगे, आप लोग बोलो एक बार। एंड मेनली मेंशन पे तो होंगे ही, कोई बात नहीं। तो चलो यार अभी हम लोग सुबह होने का वेट करते हैं, फिर ना हम लोग को हाईटेक वेपन्स चोरी करने जाना है एंड लेस्टर के पास जाना है। लेस्टर देखते हैं क्या मिशन देता है, एंड लेस्टर के पास एक प्लान है कि मैं मिलिट्री बेस में कैसे घुसने वाला हूँ। सो यार अभी पता नहीं क्या प्लान होने वाला है। हमारे पास ना हाईटेक वेपन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि हाईटेक वेपन आपको पता है बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। एंड लेज़र गन चाहिए हमारे सिक्योरिटी के लिए। अभी देखो इनके पास ये गन तो है, बट ठीक है ये वाले गन्स भी। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं फाइनली। गाइस हम लोग प्लेबॉय मैंशन से निकल चुके थे एंड सुबह हो चुकी है। हम लोग अभी जा रहे हैं लेस्टर के पास, एंड लेस्टर ने मुझे बताया था यार हमको हाईटेक वेपन की ज़रूरत है, बट उसके पास एक प्लान है मैं ना मिलिट्री बेस पे कैसे घुस सकता हूँ, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो हमको छलनी छलनी कर दिया जाएगा, तो हम लोग को यार अकेले जाना पड़ेगा। एंड क्या प्लान है मुझे कुछ नहीं पता, तो यार हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, तो यार अभी जाके देखता हूँ। एंड हम लोग यहाँ पे ना, आपको याद होगा ये सीक्रेट बनकर है यहाँ पर एक लेस्टर का, एंड ना यहाँ पर एक गाड़ी छुपी हुई है। तो यार कैप्टन तू यहाँ पर ही रुक, क्योंकि ना लेस्टर किसी को अलाउ नहीं करता है कि वो कोई भी यहाँ पर आ जाए, वो सिर्फ मेरे को अलाउ करता है एंड उसके जो पर्सनल है ना उन्हीं को। तो चलो यहाँ पर वो कहीं गाड़ी ना छुपा के रखता है। चलो हम लोग फटाफट से जाते हैं, यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई शक भी नहीं कर सकेगा कि यार ये ना लेस्टर का यहाँ पर कोई बनकर हो सकता है। मतलब ये देख रहे हो यहाँ पर एक बनकर बनाया है इसने, ऐसा बनकर है ना जो कि देखने में अजीब लगता है। तुम दूर से देखोगे ना तो कोई पहचान नहीं पाएगा कैसे लग रहा है। आप लोग देखो ऐसे कुछ अजीब सा लग रहा है ना, मतलब क्या ही बोले। तो चलो फटाफट से ना इसके अंदर चले जाते हैं, एंड यहाँ पर मैं गाड़ी इसको पार कर दूँ एंड फेस के अंदर एंट्री कर लेते। अरे खोल दे, मैं आ चुका हूँ। लेस्टर फटाफट से खोल दे दरवाज़ा। चलो यार उसने दरवाज़ा खोल दिया, एंड यहाँ पर ना हम लोग आ चुके हैं। एंड इसके हमेशा की तरह यार ये पतरे वाले बनकर देख रहे हो, कभी भी गिर सकता है ना यार। और ये देख रहे हो मतलब ये पुराने ज़माने का इंसान खड़ा है यार, पर पता नहीं यार कैसे कैसे बंदे चाइनीज़ लोग को लेके रखा है क्या इसने, मतलब देख के ना फट जाती है इनकी। यहाँ पर इसका हैकर भी है, एंड इससे ना बातचीत करते हैं एंड भाई देखते हैं क्या इसने प्लान बनाया है इसका ना कुछ। इसको भी हमको पैसे देने पड़ेंगे अगर हमको ना हाईटेक वेपन्स मिले। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना बातचीत हो चुकी है और लेस्टर ने मुझे बता दिया है कि यार तुम्हारे पास एक प्लान है, एंड वो प्लान मुझे याद हो चुका है गाइस। एंड उसने मुझे एक बंदे से मिलवाया है, वो एक मिलिट्री का बंदा है, एंड वो मिलिट्री का बंदा ना लेस्टर ने खरीदा हुआ है। मतलब जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब लेस्टर को मिल जाती है एक बंदे की हेल्प से। तो जो भी एक मिलिट्री का बंदा है वो ना हमसे मिला हुआ है, तो अभी वहाँ पर जाना है एंड उस बंदे से मिलना है। एंड वो लोग हमको ना वो बंदा कुछ मुझे बताएगा, तो चलो यार फटाफट से मैं उसके पास जाता हूँ। एंड उससे पहले ना हमको जाना पड़ेगा, बट वहाँ पर हमको देख के जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर ना मिलिट्री के लोग भी, तो उसको हमको ढूंढना पड़ेगा वहाँ पर, पता नहीं क्योंकि वहाँ पर सब लोग ने सेम ड्रेस पहना है, तो अभी वो ड्रेस किसी के पास होता नहीं है, तो हम लोग को वो ड्रेस ना चाहिए। मतलब भी चलो यार अभी इस गाड़ी को मैं इधर लगा लूँ, वरना लेस्टर ना छिड़ जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो सकती है एंड उससे लेस्टर से पंगा लेना नहीं है। तो चलो यार अभी इनको बोल देते हैं यार चलो प्लान क्या है। इनको बोलता हूँ भाई मेरे को फॉलो करना, अभी तुम कहीं जाना मत, क्योंकि ये लोग मेरे आगे चल रहे थे, इनको तो पता नहीं होंगी लोकेशन। तो चल कैप्टन तू बैठ जा गाड़ी में फटाफट से, एंड
चलते हैं अपन लोग का अपना काम है, क्योंकि ना अभी गाइस ये ऐसा काम है भाई ज़्यादा ही रिस्की, अगर इसमें हम लोग का चेहरा दिख गया ना भाई लॉस सैंटोस में क्या हमको कोई जगह नहीं मिलेगी। वैसे जगह मतलब अपने पास सिक्योरिटी तो है, बट देखो आर्मी ऐसी चीज़ है ना भाई उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो आप लोग मानते हो कि नहीं जरूर बताना चैट, आर्मी ज़्यादा खतरनाक होती है या सिक्योरिटी जो अपन बाय करते हैं? तो इसलिए हमको चेहरा छुपाना पड़ेगा क्योंकि आर्मी भाई ज़्यादा ही होती है, लाखों के तादाद में होती है भाई। सिक्योरिटी का क्या है, सिक्योरिटी भाई 50-100 ले सकते हो तुम लोग, बट आर्मी जो है ना भाई लाखों या कितने में होती है एंड पूरे गवर्नमेंट। एक सेकंड, ये मेरे को गाड़ी ठोका कैसे पे साला छपरी, ये कहेगा भाई मेरे सुपर कार को ठोकरे गए। एक सेकंड, अरे भाई इसकी तो यार ये देख रहा हूँ मतलब भाई मजाक चल रहा है क्या भाई, मेरी सुपर कार है वो पूरा लॉस एंजेलिस में किसी के पास नहीं है एंड साला मतलब मॉडिफाइड करी हुई लैम्बोर्गिनी है भाई, मुझे शेख ने गिफ्ट की थी, देख रहा हूँ स्क्रैचेस आ चुके हैं यार। अभी इसको भी बेनी के पास देना पड़ेगा, अभी बेनी के पास मैंने लैम्बोर्गिनी सियान दी थी, अभी तक यार उसका कॉल लग नहीं रहा है यार, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ आ जाओ क्या, बट यार वो फ़ोन उठा नहीं रहा है। तो यार फटाफट से हम लोग निकलते हैं लोकेशन के ऊपर जहाँ मुझे लेस्टर ने लोकेशन दी थी एंड वहाँ पर ही ना आप लोग को मिलेंगे। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ पर कहाँ है वो बंदा जो ना लेस्टर के बंदे से मिला हुआ है, और फिर देखते हैं गाइस उसका पास क्या सीन है। और यहाँ पर ही को होना चाहिए बंदा, यहाँ पर ही को होना चाहिए। मुझे ना उसने बताया कि यहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग करने आए थे। एक सेकंड, मैं पहले कैप्टन को बोल दो यार तू ना इधर ही रहे भाई, कैप्टन तू इधर ही रहे, मैं ना देख के आता हूँ, क्योंकि अगर सब लोग जाएंगे ना तो मूवमेंट हो जाएंगे एंड उनको नॉइज़ हो जाएगा और उनको ना पता चल जाएगा एंड वो हम पे ओपन फायर भी कर सकते हैं, और मुझे कोई आर्मी से पंगा लेना नहीं है। सो एक सेकंड, यहाँ पर ही कहीं ट्रेनिंग हो रही है उनकी एंड वो बंदे को पता है कि मैं इधर आने वाला हूँ। एक सेकंड, इधर कोई भी, एक सेकंड यहाँ पे ना आर्मी का चलो ट्रक लग रहा है और यहाँ पे कुछ आर्मी वाले बंदे भी है, और उसने लेस्टर ने बताया कि वो ना तुमको बीच के पास कहीं दिखेगा, तो चलो मैं इधर के छुप के जाता हूँ। एंड एक सेकंड, ये दो लग रहे हैं मुझे दो, अभी दोनों में से कौन है भाई, अभी यार मुझे ना कोड वर्ड में बात करनी पड़ेगी। तो यार अभी कोड वर्ड जो है ना लेस्टर का, अभी मुझे बस एल बोलना है एंड ये ना इन दोनों में से जो है ना वो अभी हमसे देख ही नहीं है, तो पता नहीं दोनों में से कौन है। ये बोल रहा है तू कौन है भाई, मैं उसको बोल दिया देखो भाई मैं भी आर्मी का बंदा हूँ, मैं भी नए नए आर्मी में ज्वाइन हुआ हूँ, ठीक है तो मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं कोड वर्ड तो बोल दिया हूँ एल, तो अभी देखते हैं इसने कुछ दोनों में से कोई हलचल करेगा कि नहीं। अभी यार गाइस एक सेकंड, यहाँ पे मैंने बोल दिया एंड ये बंदा इसको मारने लगा भाई, भाई काम खराब कर दिया भाई आर्मी वाले का, भाई मैं भी मारता हूँ यार, भाई तू बंदा है कि क्या है भाई, आर्मी वालों को धोखा दे रहा है, बट चलो कोई बात नहीं अपने लिए बढ़िया है। यार वो बोल रहा है भी इसके कपड़े पहन लो फटाफट से, वैसे तुमको एंट्री तो मिलेंगे नहीं जन्म हो जन्म, तो यार इसके फटाफट से मैं कपड़े पहन लेता हूँ एंड ना भाई फिर हम लोग एंट्री करते हैं। ऑल राइट गाइस, सो यार हमने कपड़े इसके पहन लिए और मतलब देख रहे उसको नंगा तो कर दिया अभी, और हम बिल्कुल लग रहे अभी मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है ना, अभी ऑफिसर बन चुके हैं यार। अंदर जाएंगे मिलिट्री बेस में अपने को एंट्री मिल सकती है, पता नहीं यार चेकिंग ना हो जाए, अभी चेकिंग हो गया ना भाई मेरे फट के हाथ में आ जाएगी। सो यार फटाफट से यार चलो अभी ट्रक में बैठते हैं, अभी सब लोग यहाँ पे कहाँ गया ट्रक, अभी मुझे बस ना भाई ऐसा बिहेव करना है कि मैं भी एक मिलिट्री वाला बंदा हूँ, समझ रहे हो, अगर मैं भाई यहाँ पर ज़्यादा ही मतलब नाटक करूँगा ना जैसे अपन माफिया वाले स्टाइल में, तो यार ये लोग डिटेक्ट कर सकते हैं एंड जो इनका कमांडर है ना भाई वो मुझे देख सकेगा। तो यार फटाफट से मैं कार गाड़ी के अंदर बैठ सबके साथ बैठ जाता हूँ, तो देख रहे हो अभी यार ये होती है आर्मी वालों की लाइफ, देख रहे हो मतलब भाई सब टेम्पो के अंदर बैठे देख रहे हो, अभी सबके चेहरे देख रहे हो, सबने मास्क पहन रखा है तो कोई पहचान में नहीं आ रहा है, बट ये खतरनाक वाले आर्मी वाले बंदे हैं, इनकी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। तो यार चलो मैं भी इनके साथ बैठ चुका, और ये सामने दिख रहा है ना ये अपने साथ मिला हुआ बंदा है, और इसका कहना है कि मैंने वहाँ पर ना ऐसी गैंग बना रखी है आर्मी के अंदर ही, मतलब भाई ये बंदा आर्मी वालों को ही धोखा दे रहा है, मतलब समझ रहे हो, इसने आर्मी के अंदर ही एक गैंग बना रखी है मतलब आर्मी वालों की, और वो बोल रहा है कि ना मैं सबको ऐसा कर दूंगा एंड पैसों के लिए भाई कुछ भी कर सकता हूँ। तो यार ऐसे वाली आर्मी भाई किसी को भी ना मिले यार, मतलब लेस्टर ने इस वाले आर्मी खरीद दिया एंड अपने अंदर दो तीन लोग और भी है, तो यार मतलब पुराना भाई सर्कल चल रहा है इधर भाई, खतरनाक वाला सर्कल चल रहा है।
तो चलो यार फटाफट से हम लोग लोकेशन पे जाते हैं। मिलिट्री के अंदर कभी एंट्री मिलेगी पता नहीं, तो चलो यार आपको मिलते हैं लोकेशन की ओर। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हो ट्रक अंदर जा रहा है और यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हो रही है क्योंकि ये मिलिट्री का ट्रक है तो कोई चेकिंग नहीं होगी। और हमको फाइनली एंट्री मिल चुकी है एंड कोई अलार्म भी नहीं बजा और हमने मास्क पहना तो कोई पहचान भी नहीं पाएंगा अभी, मुझे नहीं लग रहा। अभी एंट्री तो मिल चुकी है, अभी कोई चेकिंग वगैरह तो नहीं होगा क्योंकि चेकिंग वगैरह तो सब वहाँ पे होता है। तो चलो यार अभी तो इनको कोई शक नहीं होगा, इनको लग रहा है हम लोग ट्रेनिंग करके आए, बट ठीक है यार कोई बात नहीं। अभी हम लोग उतर गए एंड ना भाई चल भाई तू मेरे पीछे आ जा, मुझे कुछ पता नहीं इधर हाईटेक विपन किधर है। देखो ये मैंने जो प्लान है ना लेस्टर का ये बहुत सही लगा क्योंकि यार देखो अगर मैं वैसे आता ना तो भाई तबाही मच जाती एंड सिक्योरिटी लाता ना भाई तो फिर क्या ही बोले, फिर तो मेरा गाइस काम ही था क्योंकि वो पहचान लेते मैं कौन हूँ क्या हूँ एंड इसलिए मैं मास्क की। ये भाई सही प्लान है, आपको लेस्टर का प्लान कैसे लगा ज़रूर बताना। और इस वीडियो में सिर्फ एक ही चेक पॉइंट होने वाला है तो जो टाइप करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट ज़रूर मिलने वाला है। सो चलो यार फटाफट से हम लोग जाते हैं एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, 1.5 के लाइक्स यार लाइक टारगेट कंप्लीट हो नहीं रहा। और वीडियो को पूरा वॉच करना एंड इसकी मत करना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और ज़रूर लाइक करना। तो चलो यार अभी इधर तो मैं आ चुका हूँ एंड भाई इतना बड़ा है ना ये वाला बेस, भाई मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई इतना बड़ा बेस है। यहाँ पर अभी हाईटेक विपन होंगे कहाँ पर, एक सेकंड मैं आगे जाके देखता हूँ भाई इधर कहीं दिख जाए मुझे। यार ये बोल रहा है ना भाई मुझे भी नहीं पता, एक बार जाके देख लेते हाईटेक विपन के। और एक सेकंड ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहे सर मैं इधर गए हूँ भाई, ये बोल रहे तुम कौन इधर क्यों आए हो। अरे मैं भी ऑफिसर हूँ तो मैं इधर ही देखने आया हूँ, मुझे कर्नल ने सेंड किया है। ये बोल रहा है कर्नल ने सेंड किया है, हाँ कर्नल ने सेंड किया है भाई। पता नहीं भाई ये बंदा बोल रहा है देखो तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ भाई। आइडेंटिटी कार्ड तो मैं देखो मैं भूल चुका हूँ, कार के अंदर ही है मतलब जापी भी है। ये बोल रहा है तू हाथ ऊपर कर वरना तुझको यहाँ पे ठोक दूंगा। यार देखो कर्नल ने मुझे ना बोला है यार, ठीक है ना मेरा अभी लाता हूँ आइडेंटिटी कार्ड। यार ये बंदा ज़्यादा ही कर रहा है यार, एक सेकेंड इसको क्या हो गया भाई, इसको फ़ोन आ गया जल्दी से भाई, भाई ये भाग गया भाई, इसको पता नहीं किसका फ़ोन आ गया, लगता है कुछ इमरजेंसी हो गई है एंड ये ना भाई चला गया भाई बच गया, वरना ये कर्नल को फ़ोन करके बोल देता ना भाई मेरी फट के हाथ में आ जाती। बट चलो अभी फटाफट से निकलते हैं और भाई आप हमारे हाईटेक वेपन्स को ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ गए हमारे हाईटेक वेपन्स भाई, हमारे नहीं आर्मी के चुराएंगे। और ना किसी को मारना नहीं मुझे गाइस, किसी को आर्मी वालों को नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो फटाफट से मैं ढूंढता हूँ आर्मी बेस, पता नहीं कहाँ गए यार आर्मी, मतलब इधर तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना ढूंढते ढूंढते भाई इतना दूर आ चुका हूँ यार। भाई ये मिलिट्री है या क्या है भाई, पूरा शहर बसा हुआ है इधर भाई, इतना बड़ा है ना मैं कब से ढूंढ रहा हूँ मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर मैं एक सेकंड में इधर आया हूँ, आई थिंक इधर हो सकता है, यहाँ पे कुछ मिलिट्री के लोग खड़े हैं। एक सेकंड इनको मैं पूछता हूँ यार कि नहीं, इनको पूछूंगा ना मैं, इनको एक बार बोलता हूँ झूठ बहुत बोलता हूँ, अगर यहाँ पे होते ना इनको मैं बोलता हूँ यार मुझे कर्नल ने सेंड किया है एंड थोड़ा सा काम वगैरह। ये बोल रहे तुम इधर क्यों आए हो, इधर तो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। अरे देखो मुझे कर्नल ने सेंड किया है, ठीक है ना मैं कर्नल के ऑर्डर से आया हूँ। ये बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो, इसने विश्वास कर लिया क्योंकि इसको लग रहा है मैंने मास्क पहना तो मैं स्पेशल फोर्स आर्मी हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे मास्क पहनता है ना उसकी इज्जत ज़्यादा है। चलो यार यहाँ ये बढ़िया वाला है गाइस, यहाँ पे स्पेशल फोर्स है अपन, तो इसने मुझे जाने दिया एंड कोई ज़्यादा मुझसे ना क्वेश्चन आंसर नहीं किए। तो एक सेकंड मुझे लग रहा है इधर ही कहीं होना चाहिए इधर हाईटेक वेपन्स, तो मुझे लग रहा है यही हाईटेक वेपन्स है यहाँ, इसके बॉक्स के अंदर भाई चेक करना पड़ेगा। बट अभी मैं चेक करूंगा तो उस पर शक जा सकते हैं क्योंकि वो बोलेगा तुम्हें अगर पता है तो फिर तुम ओपन क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर भाई सारे तरीके के और लेज़र वाली गन भी चाहिए अपने को वैसे, तो लेज़र वाली गन एंड बहुत सारी गन आती है ना भाई बड़े बड़े वाले गन्स भाई, लेज़र वाली गन जो रेड और ग्रीन टाइप का होता है ना। एक सेकंड मैं यहाँ पर चेक कर रहा था और ये भाई बोल रहा है कि मैं मैकेनिक हूँ, तुम इधर क्या कर रहे हो, मैं मतलब यहाँ का वो मैनेजर हूँ, यहाँ पर सब कुछ जो भी होते हैं ना मतलब क्लर्क टाइप बोल रहे हो, सब कुछ मैनेज करता हूँ, जो भी गन्स आते हैं ऑर्डर डेटा करता हूँ सबकी ना भाई, डिटेल बनाता हूँ मतलब अकाउंटेंट समझ लो ये जो भी है भाई। ये देखो मैंने बोला है कलर्क ने मुझे सेंड कर्नल ने सेंड किया है
और ये बोल रहा है ठीक है यार कोई बात नहीं, तुम ना भाई ले लो एंड जहाँ भी लेके जाना है। मैं बोला भाई कर्नल ने बोला है कि दूसरे बेस पे लेके जाना है इसको, तो यार ये बंदा मान गया क्योंकि अपन ने स्पेशल सूट पहना है, ये स्पेशल आर्मी का सूट है, मतलब इसकी ज़्यादा इज्जत है इधर, मतलब इसका ना पोस्ट हाई लेवल की। तो चलो मैंने इसको जुड़ा दिया इसको। और भाई यार ये मुश्किल लग रहा है, ये ट्रेलर इसके पीछे है ना ये ज़्यादा ही कूद जा रहा है। अभी ये बोल रहे हैं ना इसमें हम लोग सारा माल भर देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा इज्जत मिल गई ना भाई इधर। भाई ऐसा लग रहा है भाई क्या ही बोलो, ये लग रहा है मेरा नौकर ही है भाई, ये बोल रहा है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हमको बोलो कौन सा किधर रखना है और तुमको इधर हम लोग पहुँचा देंगे, मतलब ये जो माल है ना वो इस पर रख देंगे। तो यार मैं बोला ठीक है यार चलो, इसको बोलते यार देखो जो जो हमको चाहिए ना भाई, लेज़र वाली गन जो भी है मैं उसको बोलता हूँ एंड फटाफट से वो रख देगा। एंड चलो ठीक है यार मैकेनिकल जो भी आपको भाई सारा का सारा मॉल इस पे लोड कर दो एंड अपने अपने मैकेनिक्स बुला के। तो भाई माल ज़्यादा, ये गोली है आपको लेना यार ठीक है ना। ये बोल रहा है ठीक है यार आपको जो जो चाहिए मैं अभी फ़ोन करके बुला लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे इसने सारा का सारा माल इस पे लोड करवा दिया है, तो मैंने जो जो अपने को हाईटेक वेपन्स चाहिए था ना भाई उस पे रखवा दिया। अभी भी इतना सारा माल है ना इस वाले में, मतलब भाई इतना काफ़ी है ठीक है ना, अभी इतना ज़्यादा है ना भाई, ये 1 या 2 लाख लोगों के लिए काफ़ी है, 50-60 हज़ार लोगों के लिए। अपने को सिर्फ अपने को लिए चाहिए 50 या 40 अपनी सिक्योरिटी है, तो भाई एक डब्बे में 10-10 वाले तो हो जाएंगे, मतलब बहुत है गाइस ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ही है। अभी पूरा तो ले जा नहीं सकते ना भाई, इतना जाएंगे तो उसको शक हो जाएगा। तो चलो फटाफट से ना भाई, अरे ये इससे बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं इसका पीछा छुड़ाते हैं, अभी ना फटाफट से निकलना है। अगर इधर कर्नल आ गया ना भाई, भाई मैं बच के तो छोड़ो भाई जिंदा भी नहीं जा पाऊँगा भाई, अगर मैंने झूठ मूठ बोला है कर्नल का, अगर यहाँ पे सबको लग रहा है मैं कर्नल का बंदा हूँ, मतलब कर्नल ने मुझे भेजा है। तो चलो ये मुझे कुछ बोल रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि देखो हम तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी यार, ये बंदा बोल रहा है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे, चलो ठीक है। सो यार इसने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया एंड बोल रहा है देखो मैंने ऑर्डर दे दिया उनको, तुम ना भाई फुल सेफ्टी जला मतलब ड्राई करो बस आराम से। यार ये तो और उल्लू बना दिया, मतलब ज़्यादा ही गाइस ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर ली इसने अपनी तो और भाई इसने बोल रहा है देखो तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया एंड इससे तुम बच जाओगे। तो यार ठीक है भाई, देख रहे हो सारा का सारा माल इस पर लोड हो चुका है, और भाई ये ना मेरा ज़्यादा ही मतलब गाइस मतलब ये प्रॉब्लम वाली बात हो गई, अगर इनको पता चल गया इनको मार दिया ना, इनके पास GPS लगे। और भाई कर्नल यार कर्नल ना आ जाए इधर, कर्नल बाहर गए भाई कहीं एंड वो फुटेज ना सेंड करते कैमरे में ना चेक कर ले, तो उससे पहले मैं इसको ना भाई लेके निकल जाता हूँ। मुझे नहीं पता इधर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई देखो अभी मैं ये माल लेके जा रहा हूँ ठीक है भाई, चेकिंग तो होने वाली है, अभी मेरे साथ कुछ लोग बैठे तो चलो यार इनकी हेल्प हो जाएगी, इनको बोल देंगे जाने दो गाड़ी को। अभी पता नहीं यार कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अभी अलार्म बजा नहीं है, अगर कर्नल को पता चल गया ना भाई तो वो सारे के सारे लॉस एंजेलिस के पुलिस वगैरह भाई सब कुछ मेरे पीछे लगवा देगा। तो यार गाड़ी बहुत ज़्यादा ही लोड ले रही है, इसको भगाना पड़ेगा। तो चलो यार फटाफट से ना भाई निकलते हैं एंड देखते हैं क्या सीन है। एक मिनट भाई ये क्या हो गया भाई, अचानक से मेरे पे फायर करने लगे यार, भाई क्या हो गया तुम लोग को, अरे मैं तुम्हारा ही बंदा हूँ भाई, लोग यार ये मेरे पे ना अचानक से फायर कर रहे हैं यार, स्कैम तो नहीं हो गया ना यार, इनको पता चल गया है गाइस कि यार मैं घुसपैठिया हूँ एंड इनके ना भाई चुरा रहा हूँ एंड कर्नल लग रहा है इस, वो जो बंदा है ना उसने बता दिया होगा यार, पता नहीं क्या सीन है यार। ये देख रहे हो मिलिट्री वाले मेरे पे अटैक करने लगे यार, अभी मुझे कैसे भी करके इस एरिया से बाहर निकलना है, क्योंकि ये एरिया से भाई कुछ मैं भाई जिंदा जा नहीं सकता यार फटाफट से। यार इसमें मेरा एक बंदा है, चलो वो मार रहा है इस पर, जो फ्रेंड्स है ना मिले वो भी मार रहे, देख रहे हो ये बंदा है इसका एंड इसको भी मार दिया यार, लोल यार इसको भी मार दिया पीछे से एंड मेरे साथ में एक बंदा बैठा हुआ है वही वाला जो अपने साथ मिला हुआ है ना, एंड चलो यार लोल हो चुका है यार गाइस, मतलब यार फंस चुके हैं बिल्कुल यार। बस चलो कोई बात नहीं, हमारा चेहरा ना दिखे, अभी फटाफट से ना हमको जाना पड़ेगा गाइस, यहाँ से निकलना पड़ेगा। और लग रहा है यार सामने से और मिलिट्री के गाइस कुछ लोग आ चुके हैं, अभी मैं फटाफट से ना मेरे NSG सिक्योरिटी को कॉल करता हूँ, इनको बोलता हूँ यार सिर्फ एयर स्ट्राइक ही करना भाई, वैसे मत आना, अगर वैसे आ गए ना भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ना भाई आप लोग समझ सकते हो भाई, वो लोग डिटेक्ट कर लेंगे हम लोग फोन एंड हमारे मैरिज मेंशन पे भाई सील कर सकते हैं एंड रेड भी कर सकते हैं एंड ऑपरेशन वगैरह उनके होते हैं भाई खतरनाक वाले।
तो मैं बोला यार एयर स्ट्राइक करो अगर करना है तो। चलो उनको मैंने बता दिया एंड भाई एक सेकंड इनको भाई फटाफट सीधा से निकलना पड़ेगा यार, ये आर्मी वाले ना खतरनाक है। चलो यार ये मेरा पीछा कर रहे हैं भाई, मेरे को ये गोली चला नहीं रहे। ये देख रहे पुलिस भी आ चुकी है भाई, लॉस सैंटोस की पुलिस भी आ चुकी है। ये देख रहे मेरे को रोकने की फुल कोशिश कर रहा है भाई, मैं रुकने वाला तो नहीं हूँ भाई, मैं रुकने वाला नहीं यार। ये गाड़ी लोड नहीं ले रही है, बिल्कुल भी लोड नहीं ले रही है भाई, इतना ज़्यादा माल हो गया ना इस पे। और मेरी सिक्योरिटी आ चुकी है, यस गाइस फाइनली मेरी सिक्योरिटी आसपास ही थी, मैंने उसको बस जस्ट कॉल किया एंड बोला आ जाओ, तो सिक्योरिटी आ चुकी है, अपना काम कर रही है सिक्योरिटी। चलो अब आ जाओ, अब मैं उतरता हूँ नीचे एंड इनकी साला बैंड बजाने फुल है। अभी ना मेरे पास एयर स्ट्राइक है, अभी इनकी हिम्मत तो नहीं होगी। चल बेटा तू भी गया भाई, तू भी जा। चल भाई पुलिस होकर मेरे पर अटैक करेगा बेटे, भाई आर्मी वाला हूँ मैं, आर्मी हूँ भाई आर्मी। चल तू भी गया भाई, इसके भी गेम ओवर बजा दी। चल चल ये तू चोमू बाहर निकल, बाहर निकल भाई, क्या ही चोमू बनता है भाई। इसको भी ले लिया, और कोई है क्या, और कोई है तो आ जाओ भाई। अब मेरी जो सिक्योरिटी ना वो मिसाइल लॉन्च नहीं कर रहे, मेरे को बोला है देखो मिसाइल लॉन्च करो बट पुलिस वालों पे करना भाई, आर्मी वालों पे मत करना यार। ये पुलिस वाले ज़्यादा करते ना इनको भी मार देना। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा कर रहे ठोक दो भाई, मिसाइल लॉन्च कर दो इस पे भी, मिसाइल लॉन्च कर देना छपरियों पर, ज़्यादा ही कर रहे तो भाई कर दो भाई, वरना फिर जाने दो भाई। भाई पंगे लेनी नहीं पुलिस से भाई, बट यार क्या करेंगे सभी। चलो यार हमने काम ही ऐसा किया तो पुलिस पीछे लगने तो वाली है। एंड एक सेकंड इनका गेम ओवर यहाँ पर। यार मिसाइल छोड़ो ना यार, मिसाइल क्यों नहीं छोड़ रहे हो यार, कोई होना भी चाहिए ना मिसाइल छोड़ने के लिए। भाई यहाँ पर मिसाइल छोड़ दिया, चलो बहुत सही। यहाँ पर लोग भी तो नहीं है ना, अभी क्या ही करेंगे। ये देखो इस पर मिसाइल छोड़ दिया, अरे यार एक ही छोड़ते ना, बेचारा मर ही गया था, दो वेस्ट कर रहा है, इतना सारा पैसा मेरे को देना पड़ रहा है इनका। पहला ही इनका जो एनएसजी सिक्योरिटी ना, इनका भाई मंथली होता है, मतलब समझ रहे हो, मंथली इनका पेमेंट करना पड़ता है भाई, वो भी बढ़ते रहता है हर महीने। तो यार ये सिक्योरिटी बहुत महंगी है गाइस, तो उसके लिए हमको पैसा भी चाहिए। अभी मेरे पास टोटल 4 सिक्योरिटी। ऑल राइट भाई, गेम ओवर कर दिया है भाई पुलिस वालों का। ये देख रहे हैं स्वैट का बंदा कहाँ से आ गया, और भी है क्या ऊपर भाई, सबको मार दिया। ये देख रहे हो ये बंदा बिल्कुल मेरे साथ मिलके ना भाई माफिया बनने की कोशिश कर रहा है, बट इसको क्या पता, इसको भी मैं धोखा देने वाला हूँ, क्योंकि ये बंदा अगर आर्मी को धोखा दे सकता है भाई, फिर मैं क्या चीज़ हूँ, मेरे को धोखा दे देगा ये। इसको सिर्फ पैसे से प्यार है, तो भाई मैं भी इसको आगे जाके मार दूंगा, क्योंकि भाई मैं धोखा, मैं रिक्स ले नहीं सकता, ठीक है ना, या मैं लेने के बाद छोड़ दूंगा इसको, क्योंकि इसने मेरा चेहरा देखा हुआ है। अगर इसने आर्मी वालों को बता दिया ना भाई, तो फिर मेरे लग जाएंगे, तो इसको मैं भाई, इसको तो मैं हिस्सा देने वाला तो हूँ नहीं, मैं इसका भाई जान से मार दूंगा, बट क्या पता ये पुलिस के हाथों से मर जाए। तो फटाफट से मैं इधर से निकलता हूँ एंड हमारा आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, उसके वजह से कोई पुलिस वाले भी नहीं आ रहे, मतलब ये देख रहे हो मिसाइल छोड़ा एंड गेम ओवर कर देते हैं बिल्कुल एक सेकंड में। एनएसजी सिक्योरिटी भाई, ऐसी सिक्योरिटी नहीं है यार। ये जो ये ट्रक है ना, इसका मुझे कुछ फंक्शन समझ नहीं आ रहा है, एक सेकंड। इसका ना कुछ भाई सीक्रेट बटन होता है, ये बोल रहा है कोई सीक्रेट बटन होता है, इसमें तुमको बटन दबाना पड़ेगा फिर वो भाई ट्रक भागेगा। तो यार तू जल्दी दबा दे कौन सा बटन है भाई। इसमें ना भाई कोई सीटिंग वीटिंग है, वो नॉर्मल ट्रक नहीं है, ठीक है ना भाई। अभी फास्ट भाग नहीं रहा है, अभी ये कुछ सेटिंग कर रहा है, बोल रहा है रुको मैं कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है अंदर से। तो यार ये अभी कुछ पावर बढ़ा रहा है ट्रक की एंड बोल रहा है रुको अभी स्लो भाग रही है ना, वेट करो अभी मैं फास्ट करता हूँ सेटिंग करा के। तो यार चलो जब तक ये, एक सेकंड ये पीछे से यार कोई ना कोई आ ही रहा है, इनको भाई बजाना ही पड़ेगा, रुक जाओ। ये ले भाई खत्म है भाई मेरा, आराम से भाई मेरा, इतने महंगे हाईटेक वेपन लाए चुरा के तुम्हारे लिए। ये देख रहे हो आ ही रहे बेटे, तुम भी आ जाओ। चलो भाई इनको भी चाहिए लगता है मिसाइल, चलो इन पे भी एक मिसाइल छोड़ दो एंड इनका गेम ओवर कर देना बिल्कुल ही। यार मिसाइल छोड़ दो इन पे, मिसाइल छोड़ ही नहीं रहा यार। चलो ख़त्म है भाई, ख़त्म है एकदम ही ख़त्म है एंड भाई गेम ओवर है इन लोग का। और हमारे यहाँ पर खतरनाक वाला ना भाई बैंड बजा दिया इन लोग का। चलो फटाफट से रास्ता क्लियर है, और जल्दी से यार तू अपना काम कर ले भाई, अभी मिसाइल छोड़ दिया पीछे, अभी अपना काम करने वाला है गाइस, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं कैसा भागता है ये, देख लो भाई भाई ये पुलिस वाले ना कुछ काम धंधा नहीं है भाई, जाके क्रिमिनल्स को पकड़ो यार, ये माफिया का भाई तुम्हारा काम नहीं है भाई। माइकल दी माफिया भाई, आपको पता है अभी माइकल को अभी माफिया बनने में यार भी समय लगने वाला है, बट अभी कोई बात नहीं, अभी हमको गैंग भी बनानी है खतरनाक वाली, ठीक है ना। अभी इस माल को मैं लेके जाता हूँ मेरा सीक्रेट बनकर पर, और एक सेकंड ये पुलिस वाले हर जगह है यार। अभी यार अभी लग रहा है मैं घर पे जा ही नहीं पाऊंगा एंड मुझे और भी तो काम करने हैं, मैं बहुत सारे काम करने हैं, अपना बिजनेस देखना है एंड गाइस ये कभी मेरा पीछा इसी में टाइम वेस्ट हो रहा है, बट कोई ना इनको मार देंगे। अभी ये मेरा
पीछा नहीं छोड़ेंगे तो इनकी बैंड बजानी पड़ेगी। चल बेटा तू भी ले ले। और ये देखो मेरे हेलीकॉप्टर में भाई क्या सीन है। और कोई है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो कोई ना, अभी भाई आज पुलिस से फाइट करते। चलो आज जो होगा देखा जाएगा, आज पुलिस की बैंड बजा देंगे साला। मतलब जाने तो बोल रहा हूँ भाई, इज्जत कर रहा हूँ तो भाई छोड़ दो, मार दो मिसाइल, छोड़ दो इन पर भाई, बख्शो मत, छोड़ दो भाई। मैं बोला जाने दो यार, अपनी लॉस एंजेलिस की पुलिस है, इस इज्जत से बात करेंगे। बट यार गाइस कोई बात नहीं, इनकी बैंड बजा देगी साला। मतलब इज्जत दे रहा तो ज़्यादा ही कर रही है क्या? चल बेटा तू भी गया, और भी आ जा। और है क्या भाई? मिसाइल छोड़ के ना भाई चटनी बना दो इन लोग की भाई। हम लोग मिसाइल छोड़ नहीं रहे ठीक है ना भाई, कम छोड़ रहे, देख रहे हो पिछली वीडियो में कितने मिसाइल छोड़े हम लोग ने गाइस। मतलब इतने मिसाइल ना भाई, पूरा मेंशन हिल के रख गया था मतलब यूजर का। बट हमने बोला अभी कम यूज़ करना, क्योंकि देखो रोड है एंड पुलिस का मामला है, तो थोड़ा संभल के भाई। इस पे भी मिसाइल छोड़ देंगे, चल कोई बात नहीं, छोड़ना है तो छोड़ दो भाई। देख रहे हो कार में उतर रहे हैं बिल्कुल भी भाई, पंगा ले रहे हो फालतू का यार कुछ लोग ना भाई। देख रहे हो मिसाइल आया एंड भाई मर गए फालतू का भाई, पैरों पर मतलब मेरे पैर के नीचे आ रहे, मतलब कुदर के रख देंगे, ऐसा कहावत होती है ना। चलो अभी ना भाई ये स्पीड बढ़ा नहीं रहा यार, तू स्पीड बढ़ा जल्दी से, तू बैठा है सिर्फ ट्रक के अंदर, बोल रहा है सेटिंग करूँगा करूँगा, अभी तक तो सेटिंग किया नहीं इसने। यार ये घोचू पुलिस था भाई, मेरे पीछे क्यों आ रही है? तो भाई मुझे काम करना है यार, दूसरे भी काम करना है। जब तक आप लोग लाइक कर दो इस वीडियो का, एंड इस वीडियो का चेक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ गाइस। चेक पॉइंट है इस वीडियो का मिलिट्री, लिख दो बस मिलिट्री लिख दो, मिलिट्री चेक पॉइंट इस वीडियो या आर्मी लिख दो। चलो ओपी आर्मी लिख दो, बस ओपी आर्मी लिख देना, यही चेक पॉइंट है, मुझे समझ आएगा आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। बस एक ही चेक पॉइंट है ठीक है, आर्मी लिख दो बस। तो यार ये देख रहे हो ये पुलिस वाला मेरा भाई गाड़ी अटका दिया बिल्कुल ही, मतलब जान ही नहीं दे रहा है। ये ले फिर भाई मरेगा ना भाई, कुत्ते की मौत तो मरना ही भाई को यार। भाई गोली से मर जाए थोड़ा दर्द कम होगा, बट मिसाइल से मरोगे पूरा आंग भी जलेगा, टुकड़े भी होंगे, और भाई हवा में अलग उड़ोगे एंड ज़मीन पर अलग गिरोगे। तो यार इतने गंदी मौत मरने से अच्छा है भाई, एक हेड पे गोली लगी एंड भाई अनकॉन्शियस हो गए भाई, गिर जाओगे मर जाओगे बस और क्या। बट नहीं, इनको भाई मरना है, जलना है, टुकड़े होना है, ऊपर जाके नीचे गिरना है, फिर गाइस थोड़ा दर्द सहना है। चलो ये देख रहे हो भाई मर गया, ये देख रहे हो भाई ये, अरे भाई ये किसका ट्रक आ गया, इसको भी फोड़ दो साले को, काम माल लेके जा रहा है मेरे बीच की फाइट में। भाई डाल दो इस पर मिसाइल साला, डूब गएगा भाई, फाइट चल रही है भाई, इसको माल की पड़ी है अपनी, पता नहीं क्या लेके जा रहा था ऐसा भाई। चल बेटा तू भी क्या, और कोई है क्या? और कोई है तो भाई बता दो भाई, इनको भी बैंड बजा देंगे भाई। ये पुलिस वाले भी कम आ रहे, देख लो इनकी फटके ना हाथ में आ चुकी, इनको पता है भी, इनको पता नहीं मैं कौन हूँ ठीक है ना। मैंने फुल पहना है आर्मी वाला ड्रेस, तो इनको ये भी नहीं पता कि मैं हो कौन, मतलब मैं हो कौन एंड वगैरह वगैरह। यार ये देख रहे हो ये क्या पुल बनाया, कौन सा इंजीनियर ने बनाया ये साला, यहाँ का डिग्री इधर उधर का डिग्री अलग कर दिया, लग रहा है ये कोरोना वाला हो सकता है। ये देख रहे हो यहाँ पर, एक सेकंड, ये भाई भाई डीटेक डीचेज कर दिया, मतलब जो अटैच था ना वो भाई प्लग हो गया, मतलब जो भी बोलते हैं उसको। एंड भाई चलो यार फटाफट से जोड़ लेता हूँ इसको साला, मतलब ये देख रहे हो ना भाई पुलिस वाले कितने ताकतवर हो चुके हैं। अभी मेरे को जाना है गाइस, बट यार मुझे जाने नहीं दे रहे यार। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये देख रहे हो चुराने के लिए भाई हॉलरस तक सेंड किए इन लोग ने, मतलब ये देख रहे हो, मतलब ये जो अटैच है ना मेरे से ट्रेलर, वो उसको डिटैच करके भाई लेके जाने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हो पीछे हॉलरस थे रखे हुए, मतलब भाई फुल प्लानिंग चल रही है। बट कोई बात नहीं, मैं ना फटाफट से सिगरेट बैरिज पर जाऊँगा, और भाई पीछे फाइट चल रही होगी। एंड ये देखें ये कर दी ने छपरी वाली बात, मतलब मेरे पास दो हेलीकॉप्टर है वो भी सुपर फाइटर्स। एंड भाई कोई बात नहीं यार, एनएसजी सिक्योरिटी, अभी मेरे पास और भी हेलीकॉप्टर्स आने वाले हैं, एंड दो नहीं मेरे पीछे 10-10 हेलीकॉप्टर चल सकते। बट कोई ना, मैं वो दिन भी हमारे जल्दी आएंगे, बस पैसा आ जाए। एंड आप कुछ देखो फटाफट से, हम लोग चाहते हैं हमारे सीक्रेट बेस पर, तो वहाँ पर मिलते हैं आप लोग को। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे ना हम लोग
हमारे सीक्रेट बेस पे आ चुके हैं। और भाई शाम हो चुकी थी और हमारा अभी भी फाइट चली रही थी हेलीकॉप्टर्स की वगैरह वगैरह। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट से इधर पार कर लेते हैं और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, एंड फटाफट से इसको पार करके ना भाई फुल मस्ती करते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो इसको मैं इधर रख लेता हूँ एंड एक सेकंड, यहाँ पे ना जाएंगा क्या भाई? अभी मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है कि ये हमारे जो हाईटेक वेपन्स है ना उसमें क्या क्या होंगे, मतलब लेज़र वाली गन तो पक्का है एंड भाई दूसरे बसरे गन भी है, तो मुझे बस देखना है दूसरे गन क्या कौन से हाईटेक्स हैं। भाई हाईटेक फुल तो लेज़र ही है एंड भाई डिज़ाइन वगैरह एंड बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ है जो कि कूल लगेगा देखने में। तो मुझे बताना यार कौन कौन से ना भाई बढ़िया बढ़िया होंगे, आप लोग को क्या लगता है यार? पहले मैं लग रहा है मेरे को ना एक यहाँ पे पता नहीं किसी ने रेती डाल के रख दी है, पता नहीं किसका काम चल रहा है। जाएंगा क्या भाई? ये मेरे पे एम कर रहे हैं। अरे मैं माइकल हूँ भाई, माइकल हूँ मैं, माइकल। अरे निंजा भाई मैं माइकल हूँ, माइकल हूँ मैं, माइकल। भाई ये मेरे पे एम कर रहे हैं भाई। अच्छा मैंने बोल दिया वरना साला फायर कर लेते। वैसे कुछ होगा तो नहीं भाई, मैंने क्या क्या पहन के रखा है, मतलब कपड़े भी पहने ऊपर से और भाई वेस्ट भी पहनी आर्मी वालों की। तो भाई गोली तो लगने के छोड़ो, ये जो बुलेट प्रूफ ग्लास भी लगा है ना इसके सामने कुछ नहीं होगा भाई। चल जाएगा क्या भाई? चल गया चल गया। मुझे लगा ना आज के दिन इसको बाहर ही रखना पड़ेगा, बट चलो यार बढ़िया सीन हो चुका है। और इसको ना भाई इधर रख ही दिया है, देख रहे हो, मतलब बढ़िया चुका है भाई, सारा का सारा माल आ चुका है एंड ये हाईटेक वेपन्स है इसमें एंड इसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे। तो भाई साहब इसको एक बार, एक सेकंड में इसको अनटैच कर दूँ ना यार, ये पलट नहीं रहा इसको, एक सेकंड इसको मैं डिटैच कर लूँ फिर ना इसको साइड में कर लेता हूँ। चलो यार इसको मैंने अनप्लग कर दिया इसको एंड इसको मैं इधर ही के पार कर लूँ। वैसे ना हमको सिर्फ ये ट्रक, हमको इसमें GPS भी हो सकता है, मुझे तो भाई डर लग रहा है यार। इसमें GPS हो गया ना तो यार फटके हाथ में आ जाएगी, मेरा सीक्रेट नहीं पब्लिक हो जाएगा। तो यार इसमें देखना है कि इस क्या है क्या नहीं है। भाई सारा का सारा माल आ चुका है ना भाई, बहुत सारा माल मेरा गिर चुका है, ठीक है गिर चुका है भाई। यहाँ पे एक बॉक्स था ठीक है, वो गिर चुका है यार। चलो कोई ना, बस मैंने सब कुछ हर चीज़ डबल लाई है, तो यार एक 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 बॉक्स गिर चुका है तो कोई बात नहीं। फटाफट से ना इसको मैं अनबॉक्स करूँगा कल, ठीक है ना? इसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ कल। तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, जब तक मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। एंड इस वीडियो को आप लोग पूरी वॉच किया होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यार इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द से लाने वाला हूँ, तो कमेंट कर देना प्यारे प्यारे से। एंड इसमें बढ़िया बढ़िया गन्स होने वाले, मैं आपको दिखाऊंगा अगले एपिसोड में, तो यार बहुत खतरनाक गन होने वाले। तो आप लोग को ना फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो आपको एपिसोड कैसे लगा ज़रूर बताना एंड तब तक के लिए सभी को बाय बाय।